आपका नाम? जी मैं ज्योति मिश्रा हूँ, अभी जयपुर शहर जिला मंत्री भाजपा। यहाँ पे आज हमारे बीजेपी की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो घपलेबाजी हुई है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये तो हम मानते हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं। शुरू से इनका जो इनकी शासन जो गया है, इनका पहले भी इसीलिए गया है क्योंकि 2G घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, तो ये इनका इतिहास रहा है इस तरह का घोटाला करना। लेकिन यहाँ जो इतने सारे युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस किस तरह से उनके माँ पिताजी उनको पैसे दे करके भेजते हैं और युवा सपने पालते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, और उसके बावजूद यहाँ पर ये इस तरह का काम करते हैं कि IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे इससे पहले भी जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए, मतलब गहलोत सरकार के आने के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में किसी में भी इन लोगों ने फेयर एग्ज़ाम नहीं ले पाया है। सुरक्षा के मामले में भी ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम CBI की मांग की जाँच कर रहे हैं तो ये क्यों कतरा रहे हैं? क्या इसमें बड़ी मछली है? छोटी मछली तो ये पेश कर रहे हैं, जो बड़ी मछली है उसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो हम सभी का ये मांग हम सभी की तरफ से है कि CBI जांच हो, जितने सारे जो युवा हैं हमारे, उनका भविष्य जो इन्होंने अंधकार में बना रखा है, उनके साथ न्याय हो। वैसे तो इतना टाइम इन्होंने गवा दिया और उनके साथ उनका जो भविष्य है वो वैसे भी बहुत पीछे चला गया, लेकिन हम फिर भी न्याय चाहते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह से हमारे देश, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करें। जिस तरह DP जारौली को बर्खास्त किया गया, उनका कहना यह है कि मेरी इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, ये सरकार का किया जा रहा है, तो क्या आपको भी लगता है कि सरकार का एक अहम रोल जो है वो इस धांधलीबाजी में है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ, सरकार तो क्या कर रही है, जो छोटी मछली है उसको पेश कर रही है, ये तो बाने। आप देखिए ना, उसके पहले ही जो इन्होंने 1 करोड़ रुपए का बताया था कि 1 करोड़ रुपए दिए, उसके घर के बाहर BPL का बोर्ड लगा हुआ है, वो कैसे 1 करोड़ दे सकता है? उसने 1 करोड़ रुपए वो कहाँ से लेकर आए? जिनको जिला रीट परीक्षा का संयोजक बना गया था, उसकी नियुक्ति किसने की? तो ये सारी चीजें हैं, लिंक हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि मामले की जड़ तक पहुंचा जाए, इसलिए ये जांच से घबरा रहे हैं। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है सरकार का, कांग्रेस सरकार का, नई नई धांधलीबाजी जो है वो सामने आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि 2023 में जो युवा है जो परेशान हो रहे हैं, वो इसका करारा जवाब सरकार को देंगे? देखिए, आज अगर मध्यवर्ती चुनाव कराया जाए तो कांग्रेस सरकार की जमानत जब्त, एक एक की जमानत जब्त होगी, ये सिचुएशन है अभी, और ये सरकार को अच्छी तरह से पता है। बाकी जगहों से तो ये पहले से साफ हो चुके हैं, यूपी में आप देख लो, ये महिलाओं का नाम लेकर के इतनी सीट आएगी, ये आएगी, पर क्या है, उनको एक भी सीट बहुत मुश्किल, सब जगह से इनका सफाया हो चुका है। ना तो ये महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना बच्चों के भविष्य के साथ ये इंसाफ कर पा रहे हैं। आप दलित, शोषित, पीड़ित, सब अल्प, यहाँ तक कि ये अल्पसंख्यक वोट को अपनी तरफ मानते हैं, लेकिन ये इनका जो अल्पसंख्यकों के साथ भी इन्होंने एक भी काम गिना दे जो अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए इन्होंने किया हो। तो ये सरकार खोखली सरकार है, सिर्फ वादों और घोषणा पत्र पर टिकी हुई सरकार, जिसको जनता के साथ इन्होंने छल किया है, और छल का जवाब जो है जनता 2023 में बहुत अच्छी तरीके से देगी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वैसे भाजपा जहाँ पर है वहाँ पर सवाल उठाती है, युवाओं के लिए लड़ने का नाम लेती है, लेकिन इतनी बड़ी धांधलीबाजी में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई भी ट्वीट, कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? बिल्कुल, आप देखिए कि जब यूपी में और बिहार में स्टूडेंट ने विरोध किया था, तब बड़े बड़े लीडर्स के ट्वीट आ रहे थे, अब यहाँ के मैटर में वो चुप हैं। जब भी यूपी में या कहीं पंजाब में, जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है, BJP शासित प्रदेश है, प्रियंका जी बहनों के साथ इंसाफ चाहिए, ये चाहिए, और वो पहुंच जाती हैं। यहाँ पर राजस्थान, जो पहले महिला सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन में था, आज नंबर 1 पे है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जहाँ पर एक महिला के साथ यहाँ रेप ना हुआ हो। कितनी अनगिनत ऐसी हैं जो थाने तक पहुँच भी नहीं पाती हैं, उनको इंसाफ मिलना तो दूर, उनकी आवाज़ तक नहीं पहुँच पाती है। तो उसमें प्रियंका जी चुप हो जाती हैं, वो जो फोटो शूटअप करने के लिए दूसरे राज्यों में पहुँचती हैं, यहाँ पर इनकी संवेदना क्यों मर जाती है? मुझे समझ में नहीं आता कि प्रियंका जी की संवेदनाएँ इस जगह पर क्यों मर जाती हैं।
जैसे कि 12 दिसंबर को राहुल गांधी ने जयपुर में आकर रैली निकाली थी महंगाई के खिलाफ, लेकिन उस वक्त रीट अभ्यर्थियों का जो धरना था वो भी जारी था, उस जगह कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या ये दिखावा जो है कांग्रेस सरकार करती है? ये कांग्रेस सरकार का काम ही यही है। देखिए, इस परिवार को, कांग्रेस परिवार को इतने साल मिले कि भारत की कंडीशन को सुधार जाए, भारत की जनता ने उनको स्नेह दिया, उनको मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे देश के साथ, उन्होंने क्या किया? अब भारत की जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, इस तरह का कोई भी मौका उनको अब नहीं मिलने वाला है। ये जो छल है, ये जो दिखावा है, और ये जो शासन करने की, उनकी सत्ता प्राप्ति की जो भूख है, यहाँ पर आकर वो हिंदू और हिंदुत्ववाद सिखा रहे हैं, ये सबके सामने है, अब ये छल नहीं कर सकते। धन्यवाद जी।